सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? तो कृष्ण भक्त, एक व्यक्ति कृष्ण भक्त है, यही वास्तविक कीर्ति है। और वही हंस वाला उदाहरण कि हंसों में तो उसकी महिमा है, हंसों के बीच में, और अगर कौए के समाज में चले जाए तो हंस की कोई महिमा नहीं है ना। फिर मैंने इसमें उदाहरण दिए थे कि जैसे देखो, मान लो एक व्यक्ति बहुत बड़ा चोर है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा चोर है और वो करोड़ों रुपए चोरी करता है। अब चोरों के समाज में, जहाँ सारे के सारे चोर बैठे हैं, उन चोरों के समाज में सबसे ज्यादा कीर्ति किसको मिलेगी बताओ? उस चोर समाज में जहाँ सारे चोर बैठे हैं, जो बहुत हाँ, बड़ा जो बहुत बड़ा बड़ा चोर है। चोर है। अब एक व्यक्ति, सब मदिरा पीने वाले बैठे हैं, सारे के सारे दारूबाज बैठे हैं, है ना। अभी जो मदिरा पीने वाले व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सबसे ज्यादा मदिरा पी सकता है, सबसे ज्यादा, और बिना पानी मिलाए, बिना पानी मिलाए डायरेक्टली पी जाता है, 2-3 बोतल पी जाता है। तो उस मदिरा पीने वाले समाज में जो सारे दारूबाज बैठे हैं, वहां पे सबसे बड़ी कीर्ति किसकी होगी? उस आदमी का जो जो सबसे ज्यादा बिना पी पानी का सकता है, पी गया। जो सबसे ज्यादा बिना पानी के पी सकता है ना। और एक जगह पे बहुत सारे वो लोग बैठे हैं, मान लो आतंकवादी लोग बैठे हैं बहुत सारे, और उन आतंकवादी में से एक ऐसा आतंकवादी जिसने सबसे ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट करा हुआ है, उन आतंकवादियों में सबसे ज्यादा कीर्ति किसकी होगी? बम ब्लास्ट करने जिसने वाला सबसे ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा। तो क्या वो वास्तविक कीर्ति है? क्या वो सब वास्तविक कीर्ति नहीं है, है ना। और अगर ये लोग भक्त के समाज में आए या सज्जन समाज में आए, तो जहाँ पे चोर की सबसे बड़ी कीर्ति हो रही है, या फिर जहाँ पे एक आतंकवादी की कीर्ति हो रही है, या फिर जहाँ पे एक मदिरा पीने वाले की कीर्ति हो रही है, अगर ये सज्जन समाज में आएंगे तो सज्जन समाज इनको क्या करेंगे? सज्जन समाज में इनको घृणित दृष्टि से देखा जाएगा। तो उसी प्रकार से इस संसार के जो लोग हैं, जो इस संसार में 3 चीजों के पीछे भागते हैं, कनक, कामनी और प्रतिष्ठा, अगर एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है तो उसकी जगत में बहुत कीर्ति होती है कि देखो कितना अरबपति है। अगर एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छी सुंदर स्त्री है तो उसकी कीर्ति होती है कि देखो इसके पास कितनी सुंदर स्त्री है। और अगर एक व्यक्ति के पास, एक सेकेंड, अगर एक व्यक्ति के पास बहुत प्रतिष्ठा है, जैसे उसको बहुत लोग जानते हैं कि मैं तो बहुत फेमस हूँ, वर्ल्ड पर्सनैलिटी हूँ, या फिर बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ, या बहुत बड़ा कॉमेडियन हूँ, या बहुत बड़ा कुछ भी है, प्रतिष्ठा है, तो सब जगत में उसका नाम होता है। अरे देखो ये तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इसको रोज अखबार में नाम छपता है, इसको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है, MLA है, MP है। लेकिन देखो भक्त लोग कैसे होते हैं, भक्त भक्त को ना कनक चाहिए, ना कामनी चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, कनक कामनी प्रतिष्ठा भागनी छाड़ी अच्छे जार सही तो वैष्णव। वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जिसको 3 चीजें छोड़ चुकी हैं, कनक यानी कि धन कमाने का लोभ, कामनी यानी कि स्त्री संग करने का लोभ, और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि मेरा नाम हर जगह फैले, प्रतिष्ठा। तो माया देवी ने जिसको छोड़ दिया, माना जो 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 जिसके हृदय से तीनों चीजें निकल चुकी है, कनक, कामनी और प्रतिष्ठा, वो ही वैष्णव है। तो वैष्णव में ख्याति किसकी होगी? वैष्णव में उसकी खास उसकी ख्याति होगी, अरे देखो ये कितना निष्किंचन वैष्णव है, इसके हृदय में पैसे के प्रति बिल्कुल लोभ नहीं है, इसके हृदय में अपनी प्रतिष्ठा के प्रति बिल्कुल भी लोभ नहीं है, इसके हृदय में बिल्कुल भी संभोग के प्रति लोभ नहीं है, इसके हृदय में बिल्कुल भी भोग वासना के प्रति लोभ ही नहीं है, इसके हृदय में केवल लोभ है भगवान की भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का। तो वैष्णव जो है, हंस लोग हैं, वो उनकी उनकी कीर्ति गाएंगे। लेकिन इस संसार के लोग जो हैं, जो कि भोग परायण लोग हैं, जो कि भोगी हैं, वो उसकी कीर्ति गाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा भोग कर रहा है। अरे इसने देखो एक के दो घर बना लिए, देखो कितना अमीर है, इसने देखो दो की चार गाड़ी कर ली, अरे उसने देखो 4 किलो का 8 किलो सोना कर लिया। तो इस संसार के जो लोग हैं वो भोगी लोग हैं, और जो वैष्णव लोग होते हैं वो भोगी नहीं होते। वैष्णव लोग कैसे होते हैं? वैष्णव लोग होते हैं संसार के प्रति त्यागी, और भगवान की भक्ति के प्रति उनका अनुराग होता है। तो जो भगवान के भक्त हैं, वो जो भगवान के भक्त हैं, वो भक्तों की ही कीर्ति का गान करेंगे। देखो प्रभु जी कितने अच्छे हैं, रोज 64 माला करते हैं, प्रभु जी देखो ये कितने हैं अच्छे हैं, हमने गुरुदेव की कितनी सेवा करी है, प्रभु जी देखो ये कितने अच्छे हैं, इनको कितने अच्छे 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 विचार आते हैं शास्त्रों के। तो भक्तों में कीर्ति उनकी होगी जो कि भक्त है, लेकिन जो भक्त नहीं है, जो कि संसार के भोगी लोग हैं, वहां पे भोगी लोगों की ही कीर्ति होगी, और उस कीर्ति का कोई लाभ नहीं है, जैसे डाकू की और चोर की कीर्ति का कोई लाभ नहीं है। तो वास्तविक कीर्ति ही वही है कि एक व्यक्ति कृष्ण भक्त है, अगर कोई कृष्ण भक्त नहीं है तो वो कीर्ति है ही नहीं। तो फिर आगे देखते हैं आज महाप्रभु और क्या प्रश्न पूछते हैं। तो कल फिर महाप्रभु ने एक प्रश्न पूछा था, ये वाला, संपत्ति मध्ये जीवर कौन संपत्ति गणी, और राय रामानंद जी उत्तर देते हैं, राधा कृष्ण प्रेम जार सही बड़ा धनी। कि ये बताओ, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि जितनी भी संपत्ति है इस जगत में, कौन सी संपत्ति ऐसी है जो कि सबसे बड़ी संपत्ति है जीव की? तो वो क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी। जिसके पास भैया राधा कृष्ण का प्रेम है ना, वही सबसे बड़ा धनी है। अब इसको अच्छी तरह समझो, देखो संपत्ति का अर्थ क्या होता है, पहले हम इसको समझें। संपत्ति का अर्थ अगर आप जाओगे संस्कृत में, उसके बहुत सारे मतलब हैं। एक संपत्ति का अर्थ होता है
मैं इंग्लिश में बताऊं तो संपत्ति का एक अर्थ होता है गुड फॉर्चून। गुड फॉर्चून यानी कि मंगल। गुड फॉर्चून यानी कि संपत्ति का अर्थ होता है मंगल। संपत्ति का एक अर्थ होता है एसेट्स। होती है ना हमारे पास कितनी एसेट है, कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितना बैंक बैलेंस है, एसेट। फिर संपत्ति का एक अर्थ ये भी होता है, एक हो गया गुड फॉर्चून हो गया मतलब मंगल हो गया, एक हो गया एसेट, और एक होता है वेलफेयर यानी कि जिसमें हमारा श्रेय मतलब हमारा वही मंगल ही हो गया, मंगल हो सके। तो संपत्ति के बहुत सारे अर्थ हैं। अभी चलो मान लो जिसको हम अगर हम धन को संपत्ति मान रहे हैं, लेकिन संपत्ति जो होती है ना वो बदलती रहती है, संपत्ति केवल धन नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति जब तक बच्चा अपने घर पे है, एक छोटा सा बच्चा जब अपने घर पे है तो उसकी संपत्ति क्या है, उसकी संपत्ति धन नहीं है, उसकी संपत्ति उसकी माता पिता है। क्योंकि अगर मान लो एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने का या फिर 8 महीने का या साल के 2 या 3 या 4 या 5 साल का, अगर उसके पास मान लो घर पे बहुत सारा धन है लेकिन माता पिता नहीं है, तो क्या होगा उसको, डाकू आएंगे लूट के ले जाएंगे और बच्चे को भी उसकी कोई रक्षा कर नहीं पाएगा, बच्चे को भी फेंक देंगे मार के, होगा नहीं होगा। तो उस समय बच्चे की संपत्ति क्या है, विजय प्रभु हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, हरी बोल, आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है। तो उस समय बच्चे की संपत्ति क्या है, बच्चे की संपत्ति उस समय धन नहीं है, बच्चे की जो संपत्ति है उस समय बच्चे की संपत्ति है उसके माता पिता, जो कि उसको पालन पोषण करेंगे, उसको बड़ा करेंगे और उसको शिक्षा देंगे। उसके बाद एक व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है, मान लो वो बड़ा हो गया, अब वो घर से बाहर गया, अब जब एक व्यक्ति घर के बाहर गया तब उसकी संपत्ति क्या है, अब जब वो घर के बाहर है तब और वो बड़ा हो चुका है तो उसकी संपत्ति माता पिता नहीं है, क्योंकि घर के बाहर अगर वो गया है तो वहां पे उसको धन चाहिए, वहां पे उसकी माता पिता रक्षा करने नहीं आ सकते, वहां पे उसको उसको धन चाहिए, धन से ही उसका काम चलेगा, तो वहां पे उसकी संपत्ति हो जाती है धन, है ना। अब एक व्यक्ति मान लो, और कहते हैं कि एक व्यक्ति जब अपने घर के बाहर जाता है तो उसमें उसकी संपत्ति धन होती है या फिर उसकी विद्या होती है जो उसने अर्जन करी, क्योंकि वो विद्या उसको बताती है कि धन को भी कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना। एक व्यक्ति के पास धन तो है लेकिन विद्या नहीं है, तो उसको कोई भी ठग के जा सकता है और ठग के उसका धन भी ले सकता है। तो उस समय जो उसकी संपत्ति है उसकी विद्या है कि मुझे धन को कैसे संभालना है और मुझे कहाँ पे इसको संभाल खर्च करना है, तो वहां पे उससे भी बड़ी संपत्ति उसकी विद्या है। और उसके बाद एक व्यक्ति अब मान लो बीमार हो गया, अब एक व्यक्ति बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल में है, अब उस समय उसकी क्या संपत्ति है, उस समय उसकी संपत्ति उसका धन भी नहीं है, उस समय उसकी संपत्ति है औषधि, है ना। अगर उसके पास औषधि नहीं है लेकिन उसके पास धन बहुत सारा है तो फिर क्या होगा, वो धन से अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, औषधि उस समय उसकी संपत्ति है, या फिर कोई अच्छा वैद्य, कोई उसको अच्छा वैद्य मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए जो उसकी रक्षा कर सके, उसको बीमारी से बाहर निकाल सके, तो उस समय उसकी संपत्ति बदल जाती है ना। तो ये जो संपत्ति है ये चेंज होती रहती है, हमेशा संपत्ति धन हो ऐसा होता नहीं है। तो एक वास्तविक में जीव की संपत्ति क्या है, वास्तविक जीव की संपत्ति बताया, जो वास्तविक जीव की संपत्ति है वो है जो उसने पूर्व जन्मों में भक्ति करी है, भक्ति ही उसकी वास्तविक संपत्ति है। कहते हैं ना कि देखो जैसे एक बच्चा है, एक बहुत अमीर घर में जन्म लिया, माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, माता पिता बच्चे का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन डाकू लोग आए घर पे और बच्चे को उठा के लेके चले गए, तो उस समय माता पिता भी बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए, घर का धन भी रक्षा नहीं कर पाया, उसके बच्चे का क्या हुआ, उसके बच्चे के संस्कार ऐसे थे पूर्व जन्मों के कुछ पाप था कि डाकू लोग आए उसको उठा के ले गए। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, बहुत धन है, अरबपति है, और इतना धन होने पर भी डॉक्टर्स भी है लेकिन दवाई है जो दवाइयां काम ही नहीं करती, दवाई काम ही नहीं करती, डॉक्टर्स ही बोलते हैं हम क्या करें भैया, दवाई काम नहीं कर रही तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, उसके पूर्व जन्म के उसके जो उसने कर्म है वो सामने आते हैं, इसलिए देखने को मिलता है कि कई व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं भी जाते, छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाते हैं, और एक व्यक्ति बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपए का बिल दे रहा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है और आईसीयू में पड़ा रहता है, लेकिन वहीं से डॉक्टर बोलते नहीं भैया तो मर गया, अब इसको ले जाओ तुम, नहीं ठीक हो पाता। तो वास्तविक में अगर देखा जाए तो हमारी संपत्ति वो है जो हमारी रक्षा कर सके, लेकिन कई बार हमारे जीवन में तो हरे संपत्ति, कृष्ण हरे प्रभु, कृष्ण जी, हाँ, तो संपत्ति क्या है, हम ये प्रश्न पूछ रहे थे कि महाप्रभु ने पूछा सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो इसमें मैंने बताया था कि संपत्ति चेंज होती रहती है। जैसे एक बच्चा है छोटा सा, उस समय उसकी संपत्ति क्या है, उसकी माता, अब माँ उसका ध्यान रखेगी, पिता उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर माता पिता नहीं है छोटे से बच्चे के पास, तो उसकी अगर घर पे धन भी पड़ा है तो चोर आके उसको उठा के ले जाएंगे, बच्चे को भी धन को भी, और जब वो बड़ा होता है घर के बाहर निकलेगा तो घर के बाहर तो माता पिता काम नहीं आएंगे, वहां तो धन चाहिए, तो वहां पे संपत्ति चेंज हो गई धन। तो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब ये संपत्ति ऐसी चीज है जो आपकी रक्षा करती है ना। अब एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, लेकिन बहुत सारा धन होने पर भी डॉक्टर्स कहते हैं भैया कोई दवाई काम नहीं कर रही, हम क्या कर सकते हैं,
उस समय उसका क्या हुआ, उसके पूर्व कर्म है जो सामने आ रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति का बहुत धन है, तब भी वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा है, दवाइयां खा रहा है, लेकिन अपने आप को धन से ठीक नहीं कर सकता। तो उस समय उसकी धन रूपी संपत्ति क्या काम आई? वो तो धन उसके काम नहीं आया, संपत्ति। तो फिर धन को आप संपत्ति कैसे कह सकते हो? तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो धन भी संपत्ति नहीं है, है ना? तो वास्तविक संपत्ति क्या है? वास्तविक संपत्ति है जो हमारी रक्षा करे। और हमारी रक्षा कौन कर सकता है? कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण को छोड़ के हमारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। महाभारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाभारत में देखने को मिलता है अर्जुन के पास केवल कृष्ण थे, और जो कौरव थे कौरवों के पास क्या था? कौरवों के पास बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह थे, उनके पास द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण था, और उसको बड़ा गर्व था कि मेरे पास तो कितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, मेरे पास इतनी सारी ताकत है, और उसके पास मेरे पास कितना बड़ा धन है, ये तो वनवासी है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास तो इतना बड़े बड़ी प्रजा है, इतने बड़े हाथी हैं, घोड़े हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, इतना बड़ा राज्य है। लेकिन क्या वो अस्त्र, क्या वो उसके बड़े बड़े जो उसके सेनापति थे, या उसके हाथी घोड़े, या फिर उसका राज्य, या फिर उसके जो भीष्म पितामह या कृपाचार्य द्रोणाचार्य जो उसके पास बड़े बड़े योद्धा थे, क्या उस समय कोई भी उसकी रक्षा कर पाया? कोई भी दुर्योधन की रक्षा नहीं कर पाया। तो वास्तविक संपत्ति वो है जो कि आपका मंगल करे। संपत्ति का मैंने संस्कृत मीनिंग बताया था, गुड फॉर्चून, जो आपको मंगल करे, और संपत्ति का मीनिंग है जो मंगल करे। अब तो ये सारी संपत्ति उसका मंगल तो कर नहीं पाई, और ना ही उसकी रक्षा कर पाई। संपत्ति वो भी है जो आपकी रक्षा करे, तो ना वो उसकी रक्षा कर पाई, ना वो मंगल कर पाई। तो जो दुर्योधन के पास वस्तु थी वो संपत्ति थी ही नहीं, वो वास्तविक में विपत्ति थी। विपत्ति कैसे? संपत्ति का उल्टा होता है विपत्ति। एक इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति, उसका बहुत अमीर घर में जन्म हुआ, बहुत अमीर घर में, उसके पास अनलिमिटेड वेल्थ है, बहुत अनलिमिटेड, बहुत धन ही धन है, भरा हुआ है, जितना मर्जी खर्च करे पुश्तें भी खाती रहेंगी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके पास इतना धन होने के कारण, अब वो कलयुग का समय है, और जितने भी धन के कारण ही एक व्यक्ति सारे गलत काम करता है। अब इतना धन है, कलयुग का समय है, उसका संग ऐसे लोगों के साथ हुआ, अब उसने उस धन को गलत जगह पे इस्तेमाल करना शुरू किया। उस धन से स्त्री संग करता है, उस धन से मदिरा पान करता है, उस धन से जुआ भी खेलता है, और सारे पाप कर्म करता है। तो अब इस चीज को समझो, जिस धन को वो संपत्ति समझ रहा है और वो पाप कर्म कर रहा है, और उस पाप के फलस्वरूप क्या होगा? उस पाप के फलस्वरूप उसको नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाके उसको कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो ये जो वास्तविक में जो उसके पास धन था, जिसको अपनी संपत्ति समझ रहा था, ये संपत्ति निकला या विपत्ति निकला? ये संपत्ति निकला विपत्ति निकला सिद्धांत प्रभु? विपत्ति निकली। ये विपत्ति निकली, तो ये तो संपत्ति हुआ ही नहीं, है ना? संपत्ति तो वो है जो कि आपका मंगल करे। अब इसके पास इतना धन होने पर भी इस धन से तो उसका अमंगल हो गया, तो उसकी तो वो विपत्ति हो गई, ये तो संपत्ति हुआ नहीं। तो इस संसार के लोग इतने मूर्ख हैं, वो धन को ही संपत्ति समझते हैं। वास्तविक में तो धन संपत्ति होता ही नहीं है। संपत्ति वो वस्तु होती है जो आपको मंगल कर सके, और जो कि आपको आपकी रक्षा कर सके। और हमारी रक्षा कौन करता है? धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्म के अलावा हमारी और कोई रक्षा कर नहीं सकता। कैसे? जैसे एक ये शास्त्र की वाणी है ना, मैं आपको बता रहा था कि घर के अंदर आपकी रक्षा करती है माता जब आप छोटे हो, जब आप बड़े होकर बाहर जाना शुरू करते हो तो वहां पे आपका रक्षा करता है आपका धन, है ना? धन रक्षा करता है, ठंड लगी है तो कुछ ओढ़ लिया, गर्मी लगी है तो पंखा चला लिया, उसके लिए सब धन चाहिए। और जब आप बीमार हो तो उस समय आपकी रक्षा करता है औषधि, है ना? लेकिन बताया कि ये सारी जो चीजें हैं जो आपकी रक्षा करती हैं, केवल निमित्त है। वास्तविक रूप से जो आपकी रक्षा करता है वो है आपका धर्म। केवल धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो आपकी रक्षा करता है, क्योंकि कई बार माता होने पर भी, धन होने पर भी, औषधि होने पर भी, ये तीनों चीजें रक्षा नहीं कर पाती। और इसका विपरीत भी देखने को मिलता है, माँ नहीं है तब भी बच्चे की रक्षा हो जाती है, धन नहीं है तब भी एक व्यक्ति का गुजारा हो जाता है, औषधि नहीं है तब भी एक व्यक्ति बच जाता है बीमारी से। तो वास्तविक में जो हमारी संपत्ति है वो हमारा धर्म है, वो ही हमारी रक्षा करता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, शिला भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जाता मुझे स्मरण है, और उनके एक शिष्य थे। और वो डॉक्टर के पास गए, उनको कोई मतलब शरीर में ना कुछ रोग हो रहा था, जैसे होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी हो गई थी, एलर्जी। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको एलर्जी का दवाई दिया कि इस दवाई को दूध के साथ मिला के खा लेना। अब जो डॉक्टर ने दवाई दिया था, डॉक्टर ने दवाई देनी थी कुछ और, लेकिन दे दी गलती से कुछ और, पता नहीं चला। उस समय पुड़िया बांध के देते थे। अब ये आए और इसने इस दवाई को क्या किया, इस दवाई को इसने दूध के साथ खा लिया। अब जैसे ही दवाई को दूध के साथ खाया तो धीरे धीरे उस दवाई ने इनके शरीर में एक पॉइजनस इफेक्ट पैदा कर दिया, इस ब्रह्मचारी के जो मठ में रहता था। और धीरे धीरे इसके सांस रुकने लगी और इसके प्राण बिल्कुल ऐसे हो गया कि जाने वाला है, और इसके मुंह से झाग निकलने लगी, और अब छटपटाने लगा कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं। अब वहीं पे ही एक ब्रह्मचारी और रहता था जो उसका गुरु भाई था।
वो जो उसका गुरु भाई था वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, जैसे कई लोग होते हैं ना जो मतलब मेंटली इतना एडवांस नहीं होते, उनका दिमाग थोड़ा सा कम होता है, तो वो जो उनका दूसरा गुरु भाई था वो थोड़ा सा मतलब पागल टाइप का कह सकते हैं, लेकिन वैष्णव के लिए ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन थोड़े से वो मेंटली कुछ ऐसे थे। तो उनको एकदम अपने गुरु की बात याद आई, इनके गुरु जी ने बोलते थे कि हाँ कि अगर कोई व्यक्ति मरे और मरते समय अगर उसके पेट में प्रसाद हो, है ना, अगर उसके पेट में प्रसाद हो मरते समय, तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है उसको। तो इसको जैसे अपने गुरु की बात याद आई तो देखा कि इसका गुरु भाई बिल्कुल मरने वाला है और उसके मुंह में सारी झाग आ रही है, तो ये फटाफट ठाकुर जी के प्रसाद की थाली लेके आए, जैसे ही ठाकुर जी का भोग बाहर निकला ही था उसी समय, और उस प्रसाद की थाली लेके आए और इसके मुंह में प्रसाद ठूसने लगे। वो कह रहा है भैया मैं मर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मेरे मुंह में प्रसाद ठूसी जा रहा है। उसने कहा नहीं, गुरु जी ने बोला था अगर किसी के मुंह में प्रसाद हो, पेट में प्रसाद हो और अगर वो मरे तो उसको वैकुंठ की गति मिलती है, तुम तो मरने वाले ही हो, अब तो कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारे शरीर में जहर तो फैल ही गया है, सारा मुंह से बाहर निकल रहा है पॉइजन के रूप में, तो तुम अब फटाफट इसको खाते रहो खाते रहो खाते रहो। और उसके मुंह में जबरदस्ती वो जितना प्रसाद था ठाकुर जी का जबरदस्ती डालता गया डालता गया डालता गया, ताकि इसके पेट के अंदर सारा प्रसाद भर जाए और ये मरते समय इसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। अब हुआ क्या, उसने उसके मुंह में इतना प्रसाद डाला, सारा भर दिया, और उसके जो मुंह से वो निकल रही थी ना पॉइजनस, जो वो निकल रही थी क्या कहते हैं फोम निकल रही थी, वो निकलनी बंद हो गई। अब वो निकलनी बंद हो गई और इसने लंबी लंबी, अब इसकी सांस जो रुक गई थी वो दोबारा आने लग गई। अब इसको लगा कि हाँ ये तो मेरे पे काम कर रहा है, उसने कहा और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ। पहले तो वो खा नहीं रहा था, फिर और खाने लगा, पूरा पेट भर के खा लिया। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गया, बोला कि भैया ये क्या हो गया था, आपने जो दवाई दी वो तो मैं मरने वाला था और एकदम मैंने कुछ खाया प्रसाद तो मैं बच गया। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो जो मैंने तुम्हें दवाई दी थी गलती से मैंने गलत दे दी और उसने गलत रिएक्शन कर दिया और तुम खाली पेट थे और तुम्हारे पेट में सारा का सारा पॉइजनस इफेक्ट आ चुका था। वो अच्छा हुआ कि तुमने पूरा पेट भर के कुछ खा लिया और जैसे ही तुमने कुछ खाना खाया इसने तुम्हारे उस पॉइजनस इफेक्ट को काट दिया, अगर तुम कुछ नहीं खाते तो तुम उसी समय मर भी चुके होते, है ना। तो उस समय उसकी रक्षा किसने करी ये बताओ, उस समय उसकी रक्षा करी उसके धर्म ने, जो उसने पूर्व जन्मों में धर्म करे थे वो उसके सामने आए, ना उसके पास औषधि थी उस समय, ना उसकी माँ सामने थी, ना उसके पास पैसा था, उस समय उसका धर्म सामने आया और उसने उसकी रक्षा कर ली। तो वास्तविक में अगर देखा जाए संपत्ति, सबसे वास्तविक संपत्ति वो है कि जो कि हमारा मंगल करती है, और मंगल तो करती है और साथ में हमें क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो और हमारे बोलते हैं ना चैतन्य चरितामृत में, राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन, जिसकी कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा सबसे सिंपल प्रैक्टिकल उदाहरण है हमारी इंदिरा गांधी, है ना, इतनी सिक्योरिटी गार्ड होने पर भी, इतना कुछ होने पर भी, अगर राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन, जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, इतनी सिक्योरिटी गार्ड होने पर भी उसकी जब मृत्यु आई, उसको मरना था तो वो मर गई, है ना। और उसके बाद देखने को मिलता है एक ट्रेन में एक माता जी जा रही थी, ये न्यूज़पेपर में आया था, एक ट्रेन में एक लेडी जा रही थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, तो उसने बाथरूम गई टॉयलेट करने के लिए। अब जैसे ही इंग्लिश टॉयलेट था वहाँ पे फ्लश टॉयलेट करने के लिए बैठी, एकदम से उसका बच्चा गिर गया, और जैसे ही बच्चा गिर गया उसने तेज की चीख मारी और लोगों ने फिर वो जो होती है चेन चेन खींची, ट्रेन पूरी क्रॉस होके निकल चुकी थी, चेन खींची तो पीछे जाके देखा उसका बच्चा भी पटरी पे बिल्कुल ठीक एज इट इज पड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं बच्चे को, है ना। तो सिंपल है कि राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन, इसको प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। तो ये एक ये है कि संपत्ति वास्तविक वही संपत्ति होती है जो हमारी रक्षा करे और जो हमारा मंगल करे। तो कृष्ण के अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, कृष्ण के अलावा हमारा कोई मंगल भी नहीं कर सकता, जितना मर्जी धन हो जितनी मर्जी अप्रोच हो सब कुछ हो, बिना उसके हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, पीछे में एक प्रभु जी से मिला था, वो ब्लड बैंक में ना बहुत बड़े ऑफिसर है एक ब्लड बैंक में, उनकी जब माता जी का ऑपरेशन हो रहा था तो उनको ब्लड की आवश्यकता थी, और उस समय उन्होंने दुनिया भर के लोगों को ब्लड दे दे के उन्होंने उनकी रक्षा करी है, लेकिन उनकी जो अपनी माता जी थी उनकी जो, लेकिन वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए जब उनको ब्लड की जरूरत पड़ी। तो जब हमने उनको ये बताया ना राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन, उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ देखो मैं ब्लड बैंक ऑफिसर हूँ, मैंने इतने लोगों को ब्लड दे के सेव किया है, लेकिन जब मेरी अपनी माँ की बारी आई मैं अपनी माँ के लिए ब्लड अरेंज नहीं कर पाया ऑफिसर होके भी, है ना। तो ये वास्तविक वो है सच की संपत्ति वो है जो हमारी रक्षा करे और जो हमारा मंगल कर सके। तो वास्तविक संपत्ति ही वही है जो कि कृष्ण प्रेम में धनी है, और जिसको एक बार कृष्ण प्रेम रूपी, जिसको ये समझ में आ गया ना कि कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है, कि कृष्ण प्रेम कितनी ऊंची वस्तु है, वो इस संसार की संपत्ति के लिए पागल नहीं होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण ही मेरी रक्षा करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारी संप्रदाय में माधवेंद्र पुरीपाद हुए हैं, माधवेंद्र पुरीपाद, तीर्थपाद, ये सब हमारी संप्रदाय में हुए हैं, है ना। तो तीर्थपाद जो हमारी संप्रदाय में है, तीर्थपाद उनके शिष्य थे, उनके दो शिष्य थे, एक उनके शिष्य थे जो कि बहुत धनी थे, मतलब राजा थे, वो साउथ इंडिया में राजा थे, तो वो जो राजा था वो इनका शिष्य था तीर्थपाद का,
और इनका एक शिष्य और था जो कि मतलब वैश्य था, मतलब छोटा मोटा बिजनेसमैन था, और उसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ गृह त्याग कर दिया और दोनों रह के भजन करने लगे। अब जब दोनों रह के भजन करते थे तो पत्नी रसोई बनाती थी और पति जाके रोज भिक्षा करता था। अब पति भिक्षा करने के लिए राजा के घर पर चला गया तो रानी को बड़ी दया आई, अरे देखो हमारे तो गुरु भाई हैं, दोनों पति पत्नी इतनी गरीबी में भजन करते हैं, रोज भिक्षा मांगने आते हैं, तो मैं काम करती हूँ। रानी ने सोचा कि हमारे तो गुरु भाई हैं, इन पर थोड़ी कृपा करती हूँ कि मैं इनको ना बहुत सारा मुट्ठी भर के वो दे देती हूँ, हीरे जवाहरात दे देती हूँ। तो उस रानी ने करा, मुट्ठी भर के पूरे हीरे जवाहरात इनको दे दिए, इसकी उसमें डाल दिए भिक्षा की थैली में, और जो थोड़ा बहुत अनाज डालना था अनाज भी डाल दिया, चावल आदि। अब उसके बाद उसने सोचा कि अब तो मैंने इसको इतना दे दिया है कि पूरा जीवन भी अगर पति पत्नी खाएं इनको भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, पूरा जीवन अपना आराम से खा सकते हैं एक मुट्ठी जो मैंने इनको हीरे भर के दिए हैं। अब अगले दिन क्या हुआ, वो इतनी फिर से भिक्षा मांगने से रानी के पास आ गया तो रानी को बड़ी खुंदक आई कि यार ये कैसे लोग हैं, मैंने कल इसको इतना सारा हीरा भर के दिया मुट्ठी भर के, और ये मेरा गुरु भाई है तो उसका फायदा उठाता है क्या कि आज फिर से मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आ गया, पूरा जीवन भी खाए तो ये खत्म नहीं होगा। तो रानी ने कहा चलो कुछ नहीं होता है तो मेरे गुरु भाई, एक बारी और दे देती हूँ। तो रानी ने अगले दिन जब भिक्षा मांगने आया फिर से उसको एक मुट्ठी भर के ना हीरे की और जो चावल देने हैं उसकी बोरी में डाल दिए जो भिक्षा की थैली थी। अब तीसरे दिन ये फिर से आ गया, अब तो रानी से कंट्रोल नहीं हुआ, रानी ने राजा को बोला कि देखो ये कितने लालची लोग हैं और ये ढोंग करते हैं भजन करने का, मैंने इनको इतना हीरा दिया पहले दिन की पूरा जीवन खत्म होगा नहीं, दूसरे दिन आया तब भी मैंने इनको इतना हीरा दे दिया, और आज देखो फिर से भिक्षा मांगने के लिए आ गए हैं, अरे इतना लालची तो मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा, और ये साधु होके ऐसे लालच करते हैं, और हमारे गुरुदेव के शिष्य होके तो हमारे गुरुजी का नाम खराब कर रहे हैं, इनको इनको आप अभी के अभी जेल में डाल दो और अभी अपने सैनिकों को भेजो और इन दोनों पति पत्नी को यहाँ पे कारागार में डालो, कैसे एक नंबर के ढोंगी साधु लोग हैं ये। तो जो राजा था, राजा सब कुछ जानता था, राजा उसकी भक्ति को जानता था, राजा ने बोला रानी कुछ नहीं होता, तुम आज मेरे कहने पे एक बार इनको फिर से एक मुट्ठी हीरे की और भर के दे दो और तुम जाके देखो तो सही ये करता क्या है उस हीरे का। रानी ने कहा हाँ बात तो सही है, देखो तो सही करता क्या है, हो सकता है कहीं चोर ले गए हो इनसे या कोई डकैत ले गए हो, क्या है पता तो चले, बार बार मांगने आ रहा है। तो रानी ने फिर से उसको बड़े गुस्से में आके एक मुट्ठी हीरा और दे दिया, और अपने पति राजा के कहने पे उसने कहा चलो देखो तो सही करते क्या है, पीछे पीछे चली गई। अब जब वो पीछे पीछे गई तो देखा कि ये जिस कुटिया में दोनों पति पत्नी रह के भजन करते हैं तो पत्नी वहाँ पे खाना बनाती है। अब पति जब वहाँ पे भिक्षा का वो लेके आया थैला, उसने अपनी पत्नी को दिया और पत्नी ने क्या किया, वो छाननी होती है ना, छाननी लेके उसमें से उसने अनाज तो छान लिया और जितने भी हीरे के जो जवाहरत के जो वो थे, हीरे जवाहरत के जो हीरे जवाहरत थे उनको छानने के बाद नीचे तो आ गया उसका अनाज आ गया, हीरे जवाहरत ऊपर रह गए, और उसको बिल्कुल कचरे के डब्बे में फेंक दिया जैसे कचरा फेंकते हैं, और अपने पति को डांट रही है, अरे 3 दिन से तुम इतना बोझ उठा के क्यों लेके आते हो, 3 दिन हो गए, 3 दिन से देख रही हो रोज बोझ में इतने सारे पत्थर उठा के लेके आ जाते हो, तुम्हें भी कष्ट होता है मुझे भी कष्ट होता है, तुम्हें कष्ट होता है इतने सारे पत्थर उठा के लाने का और मुझे कष्ट होता है बार बार इसको छानने का, अब इसको रोज कौन छानता रहेगा, कल से भिक्षा करने के लिए पत्थर लेके आना मत। तो जब रानी ने देखा कि मैं तो भैया इनको हीरे जवाहरात दे रही हूँ और इनकी भक्ति कितनी ऊंची है कि ये पति पत्नी उस हीरे जवाहरात को पत्थर की तरह लेते हैं और रोज छान के फेंक देते हैं, तो बताओ अगर कोई व्यक्ति हीरे जवाहरात को पत्थर की तरह समझ के फेंक रहा है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके पास उससे भी तो बड़ी संपत्ति है तभी तो फेंक रहा है, तो वो समझ चुके हैं कि ये जो हीरे जवाहरात है ये वास्तविक संपत्ति नहीं है, जो वास्तविक संपत्ति है वो है राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी, जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, उससे बड़ा धनी व्यक्ति इस जगत में कोई भी नहीं हो सकता। शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि इस जगत में मेरे गुरुदेव शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस जगत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अरे उनके पास तो भारी रूप से एक भी धन नहीं है, आप कैसे कहोगे वो सबसे धनी व्यक्ति हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास राधा कृष्ण का प्रेम है, जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम आ गया वास्तविक में वही धनी है। हम धनी कहते हैं किसको है, धनी उसको कहते हैं जिस व्यक्ति के पास जगत में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, अभाव यानी कि उसके हृदय में कोई भी डिजायर नहीं है। अगर अंबानी है, अंबानी के हृदय में अगर आज भी करोड़ों रुपए कमाने के डिजायर हैं तो वो सबसे गरीब व्यक्ति है, और एक ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास जो अपने आप में सेटिस्फाइड है, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, वास्तविक में धनी वो है। एक व्यक्ति धनी बाहर से नहीं होता, धनी एक व्यक्ति अंदर से होता है, जैसे एक व्यक्ति खुश बाहर से नहीं होता, खुश व्यक्ति अंदर से होता है, उसी प्रकार से एक धनी व्यक्ति भी अंदर से होता है, जिसके पास इस जगत में इसको और कोई वस्तु नहीं चाहिए, जिसको सब कुछ मिल चुका है वही वास्तविक धनी है। तो जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है ना वही वास्तविक में धनी है। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, देखो हम लोग हनुमान जी के पास जाते हैं है ना, और हनुमान चालीसा गाते हैं, उसमें बोलते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अगर आप लोगों ने हनुमान चालीसा गाई हो बचपन में उसमें ये शब्द आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी के लिए बोला कि आप क्या हो, आप अष्ट सिद्धियां दे सकते हो और नव निधियां दे सकते हो।
तो अब यहाँ पे प्रश्न है, जो हनुमान जी है वो तो कहीं नौकरी नहीं करते है ना, हनुमान जी का को कोई बिजनेस भी नहीं है, तो हनुमान जी के पास ऐसा कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो दुनिया हनुमान जी के पास जाती है, बूंदी चढ़ाती है और बोलती है कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो, हमारी ये डिजायर्स वो डिजायर्स पूरी कर दो। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धियां कहाँ से देंगे, और हनुमान जी नव निधियां जो कि नौ निधियां हैं वो कहाँ से देंगे, नौ प्रकार की निधियां होती है ना, तो जो उसमें से एक हीरे मोरी मोती जवाहरात एक निधि है, नौ प्रकार की बड़ी बड़ी निधियां होती है। तो अब हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधि कहाँ से देंगे, वो सब कुछ दे सकते हैं, वो अष्ट सिद्धियां भी दे सकते हैं, नव निधि भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास राम है, और राम क्या है, जिसके पास राम है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास कृष्ण है उसके पास सब कुछ है। क्योंकि आप ये देखो ना, कृष्ण तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, सारे के सारे ब्रह्मांड तो कृष्ण से निकले हैं, तो भक्त के पास कौन है, भक्त के पास तो साक्षात कृष्ण है, और सारी सारी सृष्टि ही कृष्ण के अंदर है, तो जिसके पास कृष्ण है तो उसके पास तो सब कुछ है, और जिसके पास कृष्ण नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास राम नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वास्तविक में धनी व्यक्ति वही है जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है, जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम नहीं है वो बिल्कुल भी धनी नहीं है। इसमें हमारी एक संप्रदाय का उदाहरण और आता है, हमारे सनातन गोस्वामी पाद, हमारे सनातन गोस्वामी जी जो थे वो रह के भजन करते थे यमुना के तट पे वृंदावन में। तो वहां पे एक बारी एक शिव जी का भक्त उनके पास आया, एक शिव जी का भक्त था, बहुत गरीब था, उसको अपनी बेटी की शादी करानी है, तो वो शिव जी से रोज प्रार्थना करते हैं मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ धन दो। तो शिव जी ने बोला तुम एक काम करो, सनातन गोस्वामी पाद जी के पास चले जाओ, जो कि यमुना के किनारे मदन मोहन मंदिर के पास रहते हैं, वो तुम्हारी बेटी के लिए धन दे देंगे। तो जब ये वहां पे पहुंचे धन लेने के लिए सनातन गोस्वामी जी के पास, तो सनातन गोस्वामी पाद जी बोले अरे भैया मैं तुम्हें कहाँ से धन दे दूं, मैं तो बिल्कुल गरीब व्यक्ति हूँ, अरे मैं तो देखो रोज बाटी खाता हूँ आटे की बिना नमक वाली, और वही ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ, और मेरे ठाकुर जी को देखो मैंने पेड़ पे लटकाया हुआ है झूला लगा के, तो ना मेरे पास कुछ है ना मैं ठाकुर जी की ऐसे सेवा कर पाता हूँ, तो मैं तुम्हारी बेटी के लिए धन कहाँ से दे दूंगा। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। सनातन गोस्वामी पाद जी बोले अरे हम तो संत हैं, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, वैष्णव लोग झूठ थोड़ी ना बोलते हैं। तो बोले नहीं तो शिव जी झूठ बोल रहे हैं क्या? क्यों? कह रहे हैं कि मेरे को तो शिव जी ने आदेश दिया है कि तुम सनातन गोस्वामी पाद जी के पास जाओ, और उनके पास बहुत सारा धन है, वो तुम्हारी बेटी की शादी करा सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद जी सोच में पड़ गए कि भैया शिव जी भी झूठ नहीं बोल सकते, वो तो परम वैष्णव है, और उन्होंने मेरे पास भेज दिया कि तुम जाओ और धन दो। तो इन्होंने क्या किया, फिर एकदम उनको याद आया अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आज सुबह जब मैं स्नान करने गया यमुना पे, तो वहां पे मुझे स्पर्श मणि मिली थी। स्पर्श मणि वो होती है जिसको आप लोहे को स्पर्श करो तो लोहे को सोना कर देती है, और मैं तो भूल ही गया कि मुझे स्पर्श मणि मिली थी, तो मैंने स्पर्श मणि को वहीं पे फेंक दिया। तो आप वहां पे चले जाओ, वहां पे एक कचरे का ढेर पड़ा है, वहीं पे आपको मिल जाएगी, जाके ढूंढ लो। तो ये ब्राह्मण फटाफट पागल होकर भागता हुआ वहां पे गया, अरे स्पर्श मणि मिल जाएगी, वहां पे भागा, और जैसे ही उसको वहां पे स्पर्श मणि मिल भी गई, अब जैसे ही उसको वहां पे स्पर्श मणि मिली तो इसने उसको लोहे को स्पर्श किया और लोहे सोना बन गया। अब तो ये जगत का सबसे अमीर व्यक्ति हो गया क्योंकि उसके पास स्पर्श मणि आ गई। तो बड़ा बड़ा आनंद में आ गया कि अरे वाह मेरे को तो स्पर्श मणि मिल गई, मैं तो बेटी की शादी करने के लिए आया था थोड़ा धन लेने के लिए, अब तो मुझे इतना धन मिल गया कि मैं जगत की सारी बेटियों की शादी करा सकता हूँ, सब लड़कियों की शादी करा दूँ इतना धन, क्योंकि हर किसी भी लोहे को स्पर्श करो सोना बन जाएगी। और बड़ा आनंदित होकर अपने घर की तरफ जाने लगा। अब जब ये अपनी घर की तरफ जा रहा है तो इसके मन में एक संशय आया, संशय ये आया कि भैया इस बाबा के पास तो लगता है इससे भी ऊंची कोई मणि होगी, है ना, तभी तो उसने स्पर्श मणि को क्या करा, स्पर्श मणि को उसने उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया, कचरे के ढेर में फेंक दिया। तो इसका मतलब तो ये है ना कि इसके पास स्पर्श मणि से बड़ी भी और कोई मणि होगी, और वो कितनी बड़ी मणि होगी कि इसने इतनी अनमोल मणि को अगर इसने कचरे में फेंक दिया तो वो जो मणि इसके पास है वो तो कितनी ऊंची होगी उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब इसने सोचा अरे यार ये बाबा तो मुझे धोखा दे रहा है, चलो हम बाबा के पास चलते हैं और पूछते हैं कि आपके पास इससे बड़ी मणि कौन सी है। तो देखो यहाँ पे एक सुंदर विचार है, उस व्यक्ति को स्पर्श मणि मिल गई जिसमें वो लोहे को भी सोना कर सकता है, तब भी क्या वो सुखी हुआ, इतनी बड़ी संपत्ति मिलने पर भी वो आनंद हुआ, उसको तब भी आनंद हुआ नहीं, तब भी उसको क्या है, तब भी उसको और चाहिए, यानी कि तब भी वो दुखी है कि नहीं भैया इससे भी ऊंचा कुछ और है मुझे और चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सिद्धांत हमें ये समझते हैं कि एक व्यक्ति को अगर स्पर्श मणि मिल जाए तब भी वो सुखी नहीं हो सकता, तब भी उसका मंगल नहीं हो सकता और वो संतुष्ट नहीं हो सकता, तभी तो फिर वो वापस क्या वापस जाके सनातन गोस्वामी पाद जी को बोला अरे आप तो मुझे धोखा दे रहे हो। कह रहे क्यों भैया क्या धोखा दे रहा हूँ, तेरे को स्पर्श मणि दे तो दी और क्या चाहिए। कह रहे नहीं अगर आपने स्पर्श मणि को फेंक दिया कचरे में तो आपके पास तो इससे भी और ऊंची मणि होगी। बोले हाँ मेरे पास तो इससे ऊंची मणि भी है। कह रहे तो आप मुझे ये वाली मणि नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाली मणि दो जो आपने अपने पास रखी हुई है। तो सनातन गोस्वामी पाद जी बोले अच्छा ठीक है मैं देखो वो मणि दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो मैंने देखो अभी मणि दी है स्पर्श मणि, पहले देखो इसको फेंक के आना पड़ेगा यमुना में दोबारा। उसने कहा ठीक है भैया अभी फेंक के आता हूँ, फटाफट भाग के गया और उसको यमुना में जाके क्या किया फेंक दिया। अब देखो यहाँ पे एक सिद्धांत तो और हम सीखते हैं कि अगर एक व्यक्ति को ऊंची वस्तु मिलती है तो वो उससे नीचे वाली वस्तु को क्या करता है त्याग देता है, क्योंकि उसको उससे ऊंची वस्तु मिल रही है। तो वहां पे क्योंकि उसको स्पर्श मणि से ऊंची वस्तु मिलेगी तो उसने स्पर्श मणि को भी त्याग दिया कि अगर आज हमारे हाथ में स्पर्श मणि आ जाए हम उसको त्याग पाएंगे,
इस जगह पर कोई भी व्यक्ति को अगर छोटा सा सोना भी अगर हमारे घर पे हो, एक छोटी से सोने की चाहे वो इयरिंग भी क्यों ना हो, वो तो छोड़ो, अगर 1 रुपए का सिक्का भी क्यों ना हो, हम 1 रुपए के सिक्के को भी नहीं त्यागेंगे। अगर 1 रुपए का सिक्का भी गुम जाए या 10 रुपए का सिक्का गुम जाए, हमें दुख होता है। उसने तो स्पर्श मणि को उठा के फेंक दिया, क्यों? क्योंकि मुझे इससे ऊंची वस्तु मिलने वाली है। आके सनातन गोस्वामी बाजी को बोला, दो भैया, अब तुम्हारे पास कौन सी मणि है? तो सनातन गोस्वामी बाजी ने उसको बिठाया, हाथ में माला दी, कहते बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पूरा महामंत्र बुलवा दिया। उसने भी बोल दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो बोला, बोलो भैया, महामंत्र बोल दिया, अब दो मणि। सनातन गोस्वामी जी बोले, अरे यही तो मणि है, और क्या दूं, यही महामंत्र तो वास्तविक मणि है, और क्या दूं, है ना। तो वास्तविक में जो कृष्ण प्रेम है, जो कि कृष्ण नाम है, वो ही वास्तविक संपत्ति है। और लेकिन इसको समझने के लिए हमें आंख चाहिए, इसको समझने के लिए हमें दिव्य ज्ञान चाहिए। लेकिन जब तक दिव्य ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे, ये जो पेपर है, पेपर तो बदलता रहता है, अभी पेपर बदल गया, फिर पेपर बदल जाएगा, हम केवल कागज को ही हम संपत्ति समझेंगे। कागज वास्तविक संपत्ति नहीं है, सोना चांदा वास्तविक संपत्ति नहीं है। वास्तविक संपत्ति जो है वो है कृष्ण प्रेम रूपी धन, कृष्ण का नाम। वो ही एक जीव का मंगल कर सकता है और वो ही एक जीव की रक्षा कर सकता है। इसलिए राजस्थान में जो मीराबाई थी, मीराबाई ने बड़ा सुंदर कीर्तन गाया था, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कि ले लो रे कोई राम का नाम, मैं आवाज लगाऊं गली गली। जिन्होंने लूटे ये सब मोती, वो सब माला माल हुए, बने जो पुजारी माया के, आखिर में सब कंगाल हुए। ये देखो, जो राम और कृष्ण के जो नाम है, ये एक मोती के समान है ना, हीरे मोती है, और इनको मैं गली गली बिखरा रही हूँ, इनको तुम लूट लो। और जो इनको लूट लेंगे वो तो क्या हो जाएंगे, वो तो धनी हो गए। और जो जो इसको नहीं लूट पाए, जो पूरा जीवन माया के पुजारी बनी रहे, आखिर में सब वो कंगाल हो जाएंगे, है ना। तो एक व्यक्ति को अंत में समझ में आता है कि भैया मेरी संपत्ति क्या है, मेरी संपत्ति तो वो है जो मैंने पूरा जीवन कमाया, है ना। अगर आप 1 महीना जॉब करते हो, जॉब के बाद आपको बैलेंस मिलता है आपके अकाउंट में, आप खुश होते हो, अरे हाँ 1 महीना जॉब करिए मुझे कुछ मिल गया, है ना। और अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या सोचोगे, अरे बताओ पूरा महीना इतना मेहनत करी और आखिरी में कुछ भी नहीं मिला। तो आप केवल 1 महीने का क्यों देखते हो, आप पूरे जीवन का देखो ना। जब जीवन पूरा जीवन काम किया, पूरा जीवन काम करने के बाद जब हम इस जगत से जाएंगे तो हमारे अकाउंट बैलेंस में क्या होगा। अब आप अपने अकाउंट बैलेंस में देखोगे, अरे मैंने पूरा जीवन काम किया और आज मैं जब यहाँ से जा रही हूँ शरीर छोड़ के, या मैं जा रहा हूँ शरीर छोड़ के, तो मैं देख रहा हूँ अरे मेरे से तो कुछ भी नहीं जा रहा, सारा का सारा तो यहीं पर रह गया। तो तब उसको समय आएगा कि अरे मेरे से तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, है ना। अगर हमें 1 महीने बाद सैलरी नहीं मिले अकाउंट में, हम दुखी होंगे। तो 1 महीने का नहीं, मैं कहता हूँ पूरे साल का देखो, वो पूरे जीवन का देखो कि जीवन के अंत में तुम्हारे साथ क्या जाएगा। जीवन के अंत में हम देखेंगे, अरे पूरा ना डिग्री गई हमारे साथ, ना हमारा धन गया, ना गाड़ी गई, ना कुछ गया, और कुछ भी साथ में नहीं जा रहा। तो ये संपत्ति थी नहीं हमारी, संपत्ति तो वो है ना जो आपके पास आई और आप साथ लेके गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बोला था क्या, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बोला था कि जो व्यक्ति लखपति है, मैं उसी के घर पे जाके भोजन ग्रहण करूंगा। तो महाप्रभु के जो भक्त सब लोग बड़े उदास हो गए और रोने लगे कि महाप्रभु तो बोलते हैं जो लखपति है उसी के यहाँ पे आके मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, और हम तो बड़े गरीब हैं। उस समय होता था लखपति, यानी कि जिसके पास सोने की मुद्राएं होती थी, जिसके पास 1 लाख सोने की मुद्राएं हैं, यानी कि वो लखपति है ना। आज तो 1 रुपए का सिक्का हो गया ना, जिसके पास 1 लाख रुपए है वो 1 लाख हो गया, पति हो गया। पहले होता था जिसके पास 1 लाख सोने की मुद्राएं हैं वो अमीर है। तो महाप्रभु के भक्तों कई इतने गरीब थे, बोले कि अरे आप 1 लाख सोने की मुद्रा की बात करते हो, 1 लखपति, हमारे पास तो 1 सोने की मुद्रा भी नहीं है। तो यानी कि कभी भी हम आपको भोजन नहीं करा पाएंगे, कभी भी आप हमारे घर में भिक्षा ग्रहण नहीं करोगे। तो महाप्रभु हंस के बोलने लगे, अरे कैसी बातें करते हो, ये 1 लखपति वो थोड़ी ना होते जिसके पास सोने की मुद्राएं हैं। लखपति तो वो होता है जो कि भगवान का 1 लाख नाम रोज ग्रहण करता है। जो हम 64 माला करते हैं, तो 64 माला करने से हमारा 1 लाख नाम हो जाता है। तो जो व्यक्ति 64 माला करता है, वास्तविक में चैतन्य महाप्रभु बोले वही तो लखपति है। और महाप्रभु बोले उसी के घर का जाके मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, उसी के घर जाके मैं अनाज ग्रहण करूंगा। तो आज ऐसे देखने को मिलता है मंदिरों में, लोग पुजारी भोग लगाते हैं लेकिन 16 माला करते हैं, या कोई 16 माला नहीं भी करता, 8 माला करता है, या 32 भी करता हो अगर कोई है। लेकिन जब तक एक पुजारी 64 माला नहीं करेगा, भगवान तो उसके दिया हुआ ग्रहण भी नहीं करेंगे, है ना। तो कम से कम हमें 64 माला तो, जो कम से कम जो मठ में या मंदिरों में जो भोजन बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उनको तो 64 माला करनी ही चाहिए। क्योंकि बिना 64 माला करे तो महाप्रभु ने बोला है ना, मैं उसके हाथ का ग्रहण ही नहीं करूंगा। तो ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है यहाँ पे। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि वास्तविक संपत्ति वही है जिसके पास राधा कृष्ण प्रेम जार से ही तो बड़ा धनी। जिसके पास राधा कृष्ण रूपी प्रेम धन है, वो ही इस जगत में वास्तविक धनी है। और जिसके पास वो धन नहीं है, वो तो इस जगत में सबसे गरीब है, सबसे गरीब, है ना। तो उसके बाद एक बार एक साधु थे, उनको ना एक सोने का सिक्का मिला नीचे गिरा हुआ, उन्होंने उठा लिया। तो शिष्य ने पूछा, गुरु जी आप इसको क्या करोगे? तो गुरुजी ने बोला, मैं इस सिक्के को उसको दूंगा जो जगत में सबसे गरीब, सबसे सबसे दरिद्र व्यक्ति है, जो दरिद्र व्यक्ति है। तो शिष्य ने कहा ठीक है।
थोड़ा आगे जाके देखा एक व्यक्ति भीख मांग रहा है, तो गुरुजी ने कहा, शिष्य ने बोला, गुरुजी आप इसको दे दो, देखो ये तो भीख मांग रहा है, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। तो गुरुजी बोले, नहीं इसको भी नहीं दूंगा मैं, जो इस जगत का सबसे दरिद्र व्यक्ति है ना, सबसे दरिद्र उसको दूंगा, इससे भी कोई दरिद्र हो सकता है। आगे जाके देखा एक व्यक्ति है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया और वो रो रहा है, मुझे कुछ खाना खिला दो, मुझे खाना खिला दो, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मैं मर जाऊंगा, कुछ खाना खिला दो। शिष्य ने बोला, अरे गुरुजी ये तो सबसे दरिद्र है, देखो 3 दिन से उसने कुछ भोजन नहीं करा। गुरुजी बोले, नहीं मैं इसको भी नहीं दूंगा, मैं किसी और व्यक्ति को दूंगा जो इससे भी ज्यादा दरिद्र है। तो थोड़ा आगे जाके देखा एक पालकी में राजा आ रहा था बैठ के, और बहुत सारे सेवक उसको चमर डुलाते हुए आ रहे थे और डुंडू भी बजाते हुए आ रहे थे। तो इसके गुरुजी ने क्या करा, सिक्का उठा के राजा की पालकी में फेंक दिया और राजा को बोला, ये ले तू ले ले। तो शिष्य ने कहा, अरे आपने तो उसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, और सोने का सिक्का राजा को दे दिया। तो गुरु बोला, अरे मैंने इस राजा से बड़ा दरिद्र व्यक्ति आज तक जीवन में नहीं देखा, इससे बड़ा मैंने दरिद्र आज तक जीवन में नहीं देखा, इसलिए यही इसका वास्तविक कस्टमर है, मतलब इसी को ही देना चाहिए। तो शिष्य समझा नहीं, तो उन्होंने बताया कि दरिद्र का मतलब होता है जो कि असंतोषी है ना। बोला कि उसने 3 दिन से खाना नहीं भी खाया, लेकिन अगर उसको मैं अभी खाना खिला देता तब उसको संतोष तो हो जाता। उस व्यक्ति को जो भीख मांग रहा था, अगर मैं उसको कुछ हाथ में थोड़ी सी भी वस्तु दे देता, एक केला भी दे दो या एक सेब भी दे दो, वो भी संतुष्ट हो जाता। लेकिन ये राजा इस जगत का सबसे दरिद्र व्यक्ति है, इसके पास इतना धन है, इतना धन, तब भी ये क्या है, असंतोषी है। तो इससे बड़ा दरिद्र इस जगत में कोई नहीं है ना। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि केवल एक व्यक्ति धन होने से संपत्ति नहीं हो जाती, वास्तविक संपत्ति वो है जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम रूपी धन है। उसके बाद फिर आगे महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त बिना, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर। कि इस जगत में बहुत सारे दुख हैं, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, लेकिन इस जगत में जितने भी दुख हैं उनमें से सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख। तो इसको राय रामानंद जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, ये हमारा सबसे मुख्य प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ना, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, ये सबसे मुख्य प्रश्न है। इसमें फिर उनको उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर। अगर तुम किसी कृष्ण भक्त से बिछड़ गए, कृष्ण भक्त से तुम बिछड़ गए, कृष्ण भक्त तुम्हें छोड़ के चला गया इस जगत में, जब हमारे कृष्ण जो वैष्णव लोग होते हैं, जब वो इस जगत से चले जाते हैं, जिसको तिरुभाव तिथि बोलते हैं उनकी, और जब वो इस जगत से जाते हैं सबको छोड़ के, तो कृष्ण भक्त के वीरे में जो दुख होता है कि अरे वो चले गए, है ना, तो कृष्ण भक्त का जो वीरे रूपी दुख है उससे बड़ा इस जगत में और कोई दुख नहीं है। तो इसको समझा